हैदराबाद में जनखों के कत्ल की तहकीकात में चौंका देने वाला इंकशाफ। शहर हैदराबाद में दो जनखों के कत्ल के वाक़े की तहकीकात में पुलिस को बात चौंका देने वाले इंकशाफ हुए हैं। मंगल की रात टप्पा चौधरा पुलिस स्टेशन के हदूद में दो जनखों 25 साल रियाज उर्फ सोफिया और 24 साल यूसुफ उर्फ डॉली का कंजरों और पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। तहकीकात में पुलिस को पता चला कि महबूब कॉलोनी के रहने वाले सैयद इनायत और डॉली के दरमियान ताल्लुकात कायम थे और वो पिछले दो साल से एक साथ रह रहे थे। डॉली इनायत पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था और कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर मुसलसल रकम का मुतालबा कर रहा था। इनायत ने डॉली से कहा था कि इसके घर वाले इस शादी की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, जिसके बाद डॉली की जानिब से हिरासानी बढ़ गई, जिससे तंग आकर इनायत ने डॉली को रास्ते से हटाने का फैसला किया। मंगल की रात इनायत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर डॉली को बात करने के बहाने बुलाया। वो सोफिया के साथ पहुंचा, इनके दरमियान बहस और टकरार हुई और मामला झगड़े तक पहुंचा, जिसके बाद इनायत ने अपने साथी के साथ मिलकर दोनों जनखों पर पत्थरों और चाकुओं से हमला करके इन दोनों को कत्ल कर दिया। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।